राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। और पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना हो, मर्यादा में रहना होगा। राम राम के जाप में तेरे पहले सा आराम नहीं, राम नाम के जाप में तेरे पहले सा आराम नहीं, जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं, सब कुछ है बस राम नहीं। कि अरे जब बबूल लगाया तो आम कहां से पाओगे, जब बबूल लगाया तो आम कहां से पाओगे। हालात तेरी जंजीर तोड़ जाऊंगा, अपने हाथों पे लिखी लकीर मोड़ जाऊंगा। देखते रह जाओगे आंखें फाड़ कर, देखते रह जाओगे आंखें फाड़ कर, तेरे सामने वह तस्वीर छोड़ जाऊंगा। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने वो तस्वीर छोड़ी, वो संविधान छोड़ा हमारे पास, और उस संविधान के नाते सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, और आज अयोध्या में रामलला विराजमान है, और ये आपके सरकार के उपस्थिति में है। मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। आज के युवा, ये एक बड़ी अच्छी कविता है, जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी जरूरी है। राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। और पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना हो, मर्यादा में रहना होगा। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम का दावा देने वाली ये सरकार, राम राज का दावा देने वाली ये सरकार, आज जगह जगह पर खुलेआम जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। मैं अगर अपने विधानसभा और अपने जनपद की बात करूं, दिन दहाड़े प्रजापति समाज के दो बच्चों को गला रेत करके मार दिया गया, एक पटेल समाज के डॉक्टर की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई, मेरी विधानसभा में बिशुन पाल व्यक्ति की हत्या कर दी गई मार के, साथ ही साथ मलनी विधानसभा में एक सुनार की गोली मार करके हत्या कर दी गई। अध्यक्ष जी, आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ जो वारदात हुई वो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से उसके साथ सड़क पे खुलेआम दुष्कर्म किया गया, और ऐसी ना जाने कितनी हजारों वारदातें हैं जो रोज हुई जा रही। आप क्या कहते हैं, क्या ये पुलिस की नाकामी है, क्या ये पुलिस की गलती है, या ये उन युवाओं की गलती है जो आजकल क्राइम की ओर बढ़ता चला जाता है जा रहा है, क्रिमिनल बनता चला जा रहा है? नहीं, ये आपके सरकार की नाकामी है, ये आपके सरकार की गलती है जिसकी वजह से ये हो रहा है। आज जिस सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ सोचना चाहिए, जहां एक माँ बाप अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं अपने बच्चे को एक बेहतर शिक्षा देने के लिए, लेकिन जब उस बच्चे का समय आता है तो ना उसके पास रोजगार है ना उसके पास कारोबार है। इस विफल सरकार में एक बच्चा अपने आप को सफल करने की होड़ में आज क्राइम की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार जिम्मेवार है। अध्यक्ष जी, अगर मैं क्राइम की बात करूं तो उसकी पुष्टि यह भी करता है कि आज जब से भाजपा की सरकार आई है तब से अभी तक आपने अपना डीजीपी जो नियुक्त किया है वो भी कार्यवाहक ही रहे हैं, अभी तक कोई आपने परमानेंट डीजीपी तक नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की अगर हम बात करें तो रामचंद्र जी ने तो शबरी के झूठे बेर खाए थे, उन्होंने तो केवट सुग्रीव और हनुमान को गले लगाए, और साथ ही साथ चाहे वो अहिल्या हो या फिर वो निषाद राज, सबको अपना है। अगर वो चाहते तो वो रावण को हराने के लिए बड़े बड़े राजाओं के साथ संधि कर सकते थे, वो चाहते तो बड़ी बड़ी सेनाओं को ला सकते थे, लेकिन उनकी सेनाओं में कौन था? उनकी सेनाओं में थे वो गरीब, उनकी सेनाओं में थे वो दलित, उनकी सेनाओं में थे वो पिछड़े। उन्होंने उन्हें क्यों जोड़ा और उन्हें क्यों साथ लेकर के आए? वो इसलिए साथ लेकर के आए क्योंकि वो उन्हें यह एहसास कराना चाहते थे कि आपके अंदर वो ताकत है, आप सक्षम है, आप सशक्त है। आज रामराज का दावा करने वाली है सरकार पीडीए की, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी पड़ी है। आज अगर हम बात करें शिक्षा में, 69,000 शिक्षकों की भर्ती के घोटाले को आज तक कोई भूला नहीं है, और बार बार इस सदन से उसकी गुहार लगाई जा रही है।
आज अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, चाहे वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो आरएमएल हो, चाहे वो एसजीपीजीआई हो, आज ये अगर प्रोफेसर्स की भर्ती की बात आती है तो वहां जगह जगह पर आरक्षण का हनन हो रहा है और जगह जगह पर गलत तरीके से भर्तियां की जा रही हैं। आज भी 112 डायल की हमारी बच्चियां जो संवाद अधिकारी के रूप में काम करती थी वो अपनी नौकरी के लिए गुहार लगा रही हैं। आज आउटसोर्सिंग के नाम पर हमारे गरीब, हमारे देश की गरीब जनता को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। अध्यक्ष जी, आज 2,000 की पगार पे उन लोगों से 8-8, 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। ये स्थिति है आपके सर। अध्यक्ष जी, बड़े बड़े वादे किए गए, इन्वेस्टर समिट मीट की वादे किए गए, ना जाने कितने हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपकी सरकार लेकर के आई, लेकिन आज धरातल पर अगर देखा जाए तो ना भी एक, इन 7 वर्षों में ना तो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिखता है, ना तो कोई नया एम्स दिखता है, ना तो क्या नया एनआईटी दिखता है, ना आईआईटी दिखता है, ना एमआईटी दिखता है, और बहुत लंबी कतार है लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपके इन बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स में रोजगार और व्यापार सिर्फ और सिर्फ कागजों पर दिखाई देते हैं, हकीकत में कहीं दिखाई नहीं देते। आज हमारे देश का युवा कुछ चंद पैसों के लिए अपने देश से पलायन करके दूसरे देश में जाने के लिए तैयार है, ये सच में बड़ा ही शर्मनाक। अगर हम बात करें आज थाने की, तहसील के और अधिकारियों के ऑफिस की, तो ये समझ ले अध्यक्ष जी कि ये सरकारी जितनी भी जगह है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अड्डे हैं और कुछ भी नहीं। आज अगर जमीन का नाप होता है तो वो जमीन के नाप जो है वो मौखिक रूप में आदेश होते हैं, आज तो लिखित भी बंद हो गया है, क्योंकि जब जितनी रिश्वत आती है उस हिसाब से ये नाम बदल जाते हैं। अध्यक्ष जी, ये आपकी सरकार बार बार जनता के मूलभूत अधिकारों के लिए जब भी विपक्ष ने आवाज उठाई है तो हमेशा ये आवाज आती है कि अरे जब बबूल लगाया तो आम कहां से पाओगे, जब बबूल लगाया तो आम कहां से पाओगे। जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई उस तब से लेकर के अध्यक्ष जी आज तक का अगर कार्यकाल देखा जाए तो अगर समाजवादी पार्टी ने 12 साल सत्ता पे राज किया है तो आपको 13 साल हो चुके हैं, और उसके बाद मैं आज आपको ये बता सकती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने मेट्रो लाइन बनवाई, समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे बनवाया, समाजवादी पार्टी ने गोमती रिवर फ्रंट बनवाया, एकाना बनवाया, मेदांता बनवाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट बनवाई। सबसे बड़ी बात, उन्होंने बच्चों को साक्षरता देने के लिए जगह जगह लैपटॉप बांटे, उन्होंने बेस्ट पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया, उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर बनवाया आज जहां पे सीएम बैठते हैं, लोक भवन बनवाया, एम्बुलेंस दिया और साथ ही साथ डायल 100 दिया, जिसे आज आप 112 के नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी बात करें तो आपके पास आज भी सिर्फ कागज ही हैं और कुछ भी है नहीं आपके पास, तो सिर्फ कोरे कागज लेकर के आप बैठे हैं और रामराज की बात करते हैं। और अध्यक्ष जी, अगर आज रामलला जी भी इन स्थितियों और परिस्थितियों में होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह अवश्य ही कहते कि राम राम का, राम राम के जाप में तेरे पहले सा आराम नहीं, राम राम के जाप में तेरे पहले सा आराम नहीं, जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं, सब कुछ है बस राम नहीं। मैं सिया राम को नमन करती हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।